गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। किंतु सर्वोच्च तो महादेव ही है ना, और गणेश जी भी यही चाहेंगे कि उनके पिता का स्वागत सर्वप्रथम हो। उचित है, सर्वप्रथम पिता श्री का, प्रभु महादेव का ही स्वागत होना चाहिए। स्वयं महादेव जिन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं और कोई भी कार्य उनकी पूजा के बिना आरंभ नहीं करते, ये उनका भक्त उन्हीं के सामने गणेश जी का बार बार अपमान करने की धृष्टता कर रहा है। इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। पिताश्री, वो जो भी कर रहा है उसमें हानि तो उसी की है ना। गणेश जी को सर्वप्रथम भीतर ना जाने देकर उसने अपने सौभाग्य को द्वार के बाहर ही खड़ा कर दिया है। हाँ, प्रभु श्री गणेश जी के चरण पड़ने पर सभी विघ्न मिट जाते हैं, किंतु उन्हें रोककर उसने सुनिश्चित कर लिया है कि उसके जीवन में विघ्न ही आते जाएंगे। किसी बुरी घटना में भी अच्छाई ढूंढ लेना बहुत बड़ा गुण है। पुत्रियों, मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूँ। मुझे माता पार्वती की बहुत चिंता हो रही है। शोणितपुर में तो महादेव के साथ उनके गण और गणेश जी भी हैं, किंतु माता पार्वती तो अकेली हैं। ये सब देखकर उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। आइए नंदीश्वर जी। आइए पुत्री, नंदीश्वर जी का सत्कार करो। मेरे पुत्र का निरंतर अपमान कर रहा है ये दुष्ट। इतना सुंदर परिवार मिला है इस दुष्ट असुर को। भक्ति में डूबी पत्नी और पुत्री दोनों का सौभाग्य है इसके पास, किंतु फिर भी ये परिवार के महत्व को नहीं समझा। पिताश्री को उनकी अर्धांगिनी और मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया इसने। बस माँ वहाँ पूरी तरह अकेली ना रह जाए। प्रभु, माता को लेकर और माता उन्हें लेकर चिंता में होगी। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो हम दोनों माता के पास चली जाएं। हाँ पिताजी, उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो होगा उनके पास, तो संभव है अकेलेपन का इतना आभास ना हो उन्हें। सर्वथा उचित सोच रही हो तुम दोनों, जाओ उनका ध्यान रखो। अब तुम दोनों जाओ और इनके भोजन की व्यवस्था करो। मैं प्रभु को शोणितपुर के अतिथि गृह ले जाऊंगा। जाओ पुत्री। आइए प्रभु, आइए। ये देखिए, ये भव्य है और सभी सुखों से संपन्न अतिथि भवन मैंने आपके लिए ही बनवाया है प्रभु। मैं जानता था प्रभु तो आएंगे ही, इसलिए आपको यहां तनिक भी कष्ट ना हो, इसलिए मैंने ये भवन बनवाया प्रभु। आपको अब कैलाश की ठंड नहीं, मेरे इस भवन का सुख भोगने को मिलेगा। आप खड़े क्यों हैं प्रभु, आइए विराजिए। रुके रुके गणेश जी, ये कक्ष आपके लिए नहीं है, ये तो केवल मेरे आराध्य महादेव के लिए है। बस बाणासुर, बहुत हुआ। कहीं बाणासुर के कारण महादेव और माता काली परस्पर विरोध करने पर विवश हुए तो सर्वनाश हो जाएगा। हमें माँ का आक्रमण रोकना होगा।
माता, शांत हो जाइए माता। गणेश जी बुद्धि देवता हैं, वो इस बाणासुर का अवश्य कोई उपाय सोच लेंगे। बार बार मेरे पुत्र की अवहेलना कर रहा है वो दुष्ट। मैं उसे शाप देती हूँ, उसके पतन का आरंभ मेरा पुत्र करेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। माता कामाख्या का कहा स्मरण हो आने का अर्थ है, ये संकेत है बाणासुर और नरकासुर के विनाश में मेरे भाग निभाने का समय आ गया है। हे माता कामाख्या, मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मुझे अब क्या करना है। उषा का विवाह, किंतु उससे बाणासुर के विनाश का क्या संबंध है? प्रणाम प्रभु। पिताजी, प्रभु श्री गणेश बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये सभी सुविधाओं से सज्जित कक्ष केवल मेरे महादेव के लिए है। गणेश जी के लिए दूसरा कक्ष है पुत्री। प्रभु महादेव आप ऐसे क्यों खड़े हैं? संसार के इस सर्वश्रेष्ठ शयन कक्ष का आनंद लीजिए। ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा प्रभु। ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा प्रभु। ये क्या हुआ? ये स्वर्ण पलंग पत्थर कैसे बन गया? प्रभु ये तो उचित नहीं। मैंने आपके लिए इतनी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया और आपने क्या किया, उन्हें पत्थरों, सूखे पत्तों और वृक्षों में परिवर्तित कर दिया। बाणासुर, भक्त तो भगवान की हर पसंद को जानते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कुबेर देव के भंडार को भरने वाले भोले भंडारी महादेव ही हैं, जिनका सभी परित्याग करते हैं। महादेव उन्हें अपनाकर सात्विक जीवन जीते हैं। कैलाश उन्हें सर्वाधिक प्रिय है, कैलाश ही उनके हृदय में बसता है। अपने आप को उनका महान भक्त कहने वाला ये भी नहीं जानता? सब जानता हूँ मैं, अपने भगवान को भी और उनकी भक्ति के मार्ग को भी। आप उससे शत्रुता का व्यवहार कर मेरा अपमान मत कीजिए गणेश जी। भक्त होने के नाते मैं वो सब करूंगा जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो, और आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके लिए उचित होगा कि आप एक कोने में बैठे रहें। ये मेरा अनुरोध नहीं, मेरी इच्छा है। और मुझे मिले वरदान के अनुसार महादेव के समस्त गणों को मेरी इच्छा स्वीकार करनी होगी। ना ये दुष्ट रहेगा, ना इसके दुष्टता की कोई इच्छा रहेगी। बाणासुर, तुम अतिथि बनाकर लाए हो तो अतिथि रूप में सत्कार करना सीखो। जानते हो ना, अतिथि का अपमान पाप है। अतिथि अपमान करे तो वो ठीक, और मैं उसका उत्तर दूं तो वो पाप? आप मुझे व्यवहार बदलने की सीख दे रहे हैं गणेश जी, किंतु आपका अपना व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। जाइए वहां, आराम से कोने में बैठे रहिए। जाइए वहां, आराम से कोने में बैठे रहिए। अतिथि के साथ दुर्व्यवहार का कितना भयंकर परिणाम है, लगता है तुम्हें ये जानना होगा। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि।
माता रुकिए। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कालिकेय च विद्महे शमशानवासिने धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ एक दन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कालिकेय च विद्महे शमशानवासिने धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। माता, आपके पुत्र उस दुष्ट को पाठ सिखाने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। उसका एक उदाहरण तो उन्होंने अब भी दे दिया। अब वो कोना दिखाओ बाणासुर, जहाँ तुम चाहते हो मैं बैठूं। दिखाओ वो कोना जिसमें मैं समा सकता हूँ। गजाननम भूता गणाधिसेवितम् कपित्थ जम्बुफल चार भक्षणम्। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुमने गणेश का पान किया है, इसका परिणाम तुम्हें स्वयं भुगतना होगा, क्योंकि तुम भूल गए गणेश ही नहीं, मेरे किसी भी गण का अपमान स्वयं मेरा अपमान है। प्रभु, मेरे पिताजी अतिथि का सत्कार नहीं जानते, क्षमा मांगना भी उन्हें नहीं आता। मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ, उन्हें क्षमा करने की कृपया कीजिए। ओह, तो ये संकेत है माता कामाख्या का, उषा द्वारका की बहू बनने वाली है। अर्थात उषा का पति वो होगा जो प्रभु श्री कृष्ण का निकट संबंधी होगा। मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे पिताजी पर कृपा कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सौम्य आचरण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए तुम्हारे पिता को क्षमा करता हूँ। किंतु यदि बाणासुर ने एक भी बार और मेरा अपमान किया तो मैं समझूंगा वो मुझे शिवगण नहीं मानता और ना ही वो मेरा साथ चाहता है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। पता नहीं उन्होंने ये भूल क्यों की, किंतु मैं ये भूल सुधारना चाहती हूँ। आइए प्रभु, आप आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। परिवार के बड़े छोटों को संस्कार देते हैं, किंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। तुम्हें अपनी पुत्री से सीखना चाहिए बाणासुर। क्रोध को त्याग करके भोजन कीजिए, आपकी पसंद के पकवान बनाए हैं। तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व में पावन भक्ति की ऊर्जा से भरी उज्जवल कांति है, तो तुम्हारा पति भी दैविक तेज से परिपूर्ण होगा, देवता समान होगा। तुम धर्मनिष्ठ हो, प्रभु सत्ता में तुम्हें आस्था है, इसलिए तुम्हारे पति के माध्यम से भगवान के एक रूप से ही तुम्हारा संबंध स्थापित होगा।
पुत्री के लिए पति का चुनाव करने का अधिकार तो पिता का है, इसलिए उषा के पति का चुनाव मैं करूंगा। प्राणी की नियति उसे उस दिशा में ले ही जाती है जहां उसे जाना होता है। वही उषा के जीवन में भी होगा बाणासुर, तुम रोकना चाहोगे तो भी उसे नहीं रोक सकोगे। मैं और ले आती हूँ। बस इतना पर्याप्त है, धन्यवाद। क्या हुआ अनिरुद्ध, इतने समय के बाद अपने पितामह से मिलने आए हो, फिर भी कहीं और ही खोए? वो मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा। जैसे जीवन में हर बात का कारण होता है, इस बात के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होगा। और जाने अनजाने में जो भी होता है उसे जगत का उद्धार ही होता है। स्वामी उद्धार कीजिए हमारे पुत्र का, मेरी गुहार सुनिए प्रभु। देवी, दीर्घायु के अलावा भी उद्धार के और भी कई अर्थ हैं, जैसे पाप का अंत, अधर्म का नाश, कारों का क्षय और मोक्ष प्राप्त होना। तो हमारे पुत्र का उद्धार कैसे होगा प्रभु? व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं देवी, उसके भी जीवन का भविष्य उसके कर्म ही निर्धारित करेंगे। किंतु अब वो जो भी करने वाला है उससे उसके संचित पुण्य समाप्त हो जाएंगे। क्या इन्हें पता नहीं ये मेरी पत्नियां बनने वाली हैं, जो कृष्ण की स्तुति का राग अलाप रही है? या इन्हें मेरे क्रोध का भय नहीं? बंद करो ये शोर, ये स्तुति, अन्यथा तुम सभी अपने मुख से अपने कृष्ण का नाम तक नहीं ले सकोगी। अपार शक्तियों का स्वामी हूं मैं, शक्तिशाली नरकासुर हूं मैं। हे गजानन, माता पार्वती के नंदन, हे विघ्नहर्ता गणेश, इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे आदेश का पालन अभी हो, इसी क्षण। भक्ति की शक्ति अपार है, जिससे कोई पार नहीं पा सकता। नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करेंगी, ना ही कोई तुमसे भयभीत होंगी। विघ्नहर्ता गणेश जी ने हमारे भीतर विश्वास की आस जगाई है, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम में से कोई तुमसे विवाह नहीं करेंगी। जानती भी हो मेरे आदेश को ना मानने का क्या परिणाम होगा? परिणाम की चिंता हम नहीं करती, क्योंकि स्वयं गणेश जी ने कहा था हमें बचाने के लिए क्या हुआ, बोल नहीं निकल रहे? मैंने कहा था ना उसका नाम भी नहीं ले पाओगे। अब बताओ अब उसे कैसे बुलाओगे? उस गज शीश वाले की बातों में तुम सभी ने विश्वास किया, किंतु झूठा पड़ गया ना तुम्हारा विश्वास। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ना कृष्ण, ना गणेश, ना कृष्ण, ना गणेश। मैं तुम सबकी भक्ति की शक्ति को छीन चुका हूं, अब तुम सबको
विवाह के लिए तैयार तो होना ही होगा। अभी दिखाता हूं प्रदर्शन। राक्षसियां तुम सबकी भक्ति का सम्मोहन तोड़ देंगी और मायावी होने के कारण इन्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। प्रभु ये सोचने विचारने का समय नहीं है, हमें इसी पल वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं तो दुविधा में जकड़ा हूँ मूषक जी, एक ओर पिताश्री का दिया वरदान है तो दूसरी ओर उन निर्दोष राजकुमारियों की रक्षा का कर्तव्य। प्रभु कोई उपाय तो होगा, माता कामाख्या के क्षेत्र में कोई स्त्रियों के साथ ऐसी क्रूरता करे ये तो ठीक नहीं। धन्यवाद मूषक जी, आपने तो समाधान ढूंढ लिया। माता कामाख्या की नगरी में स्त्रियों के साथ कोई दुष्टता नहीं कर सकता। हे माता कामाख्या, आपके क्षेत्र में इन निर्दोष असहाय राजकुमारियों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, हे माता आप ही कुछ कीजिए और उन्हें पीड़ा से मुक्त कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए माता। तुम्हें नरकासुर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन असुरी स्त्रियों को उसने तुम्हें कष्ट देने के लिए भेजा था, इसलिए अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर की भक्ति के लिए किसी को नहीं रोक सकता।
भक्ति में बाधाएं डालने वाले स्वयं ही बाधाओं में घिर जाते हैं। तुम सभी अब निश्चिंत होकर श्री कृष्ण की भक्ति करो। किंतु माता, हमारे लिए तो प्रभु कृष्ण का नाम लेना भी असंभव कर दिया है उस दुष्ट नरकासुर ने। वो तुम्हारी जिह्वा को भले नियंत्रण में कर ले, किंतु तुम्हारा हृदय तो मुक्त है। अपने हृदय से श्री कृष्ण भक्ति करो, वही उनका नाम लो। ईश्वर के नाम की तरंग जब हृदय से निकलती है तो सीधे भक्त की आराध्या तक पहुंचती है। अब वहाँ माता कामाख्या उनका ध्यान रखेंगी और मैं यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के शीघ्र आगमन के लिए जो भी आवश्यक है वो करूँगा। किंतु अब हमें क्या करना है? यही कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आगमन के लिए एक कारण चाहिए। उषा का भविष्य बन सकता है वो कारण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। किंतु मैं अब समझा हूँ कि माता कामाख्या ने क्यों कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में मुझे भी अपना भाग निभाना होगा। कैसे प्रभु? कल सुबह नियति ने जो निर्धारित किया है उस ओर बढ़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। गणेश जी, आपने सराहना नहीं की। कदाचित आप मेरे युद्ध कौशल से प्रभावित नहीं हुए। देखिए, मेरे हजार हाथ एक साथ वार कर सकते हैं। अब तो आप अवश्य प्रभावित हुए होंगे गणेश जी। प्रभावित तो हूँ किंतु चकित भी हूँ। चकित इसलिए कि ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसके पास हजार भुजाओं का बल है वो निर्जीव मूर्तियों से युद्ध क्यों कर रहा है? अभ्यास में निर्जीव मूर्ति है किंतु युद्ध में मेरे शत्रुओं का भी यही परिणाम होगा। तब आपके बल का प्रमाण पाने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा करनी होगी ना, क्योंकि निर्जीव मूर्तियाँ तो बस प्रहार झेल सकती हैं, पलटकर वार नहीं कर सकती। ऐसा शक्तिशाली योद्धा है ही कहाँ जो मुझसे युद्ध करने का साहस करे। एक नरकासुर था, अब वो मेरा मित्र है। ओ, तो किसी सामर्थ्यशाली योद्धा से तुम्हारा टकराव ही नहीं हुआ तो फिर तुम्हें बलशाली कैसे मान लूं? तो आप ही किसी योग्य योद्धा को ले आइए गणेश जी, पल भर में परास्त कर दूंगा। तुम्हें तो प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त है ना, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो उन्हीं से जाकर कहो, हो सकता है वो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दे और तुम्हें अपने बल को आंकने का अवसर मिल जाए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। प्रभु को मेरी इच्छा माननी होगी। रुको बाणासुर, अभी उनके पास मत जाओ। प्रभु महादेव अभी ध्यान में होंगे। आप भूल रहे हैं गणेश जी, ये मेरा नगर है, कैलाश नहीं। और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। महादेव को भी अपने ध्यान से बाहर आना होगा। प्रभु, ये तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने निकल पड़ा। अहंकार में विवेक मर जाता है, जिसका जीता जागता प्रमाण ये बाणासुर है। प्रणाम प्रभु।
प्रभु प्रणाम। आज ही अपना सर्वनाश करवा कर ही रहेगा। प्रणाम प्रभु, मुझे आपसे कुछ चाहिए। लगता है आपको आपका डमरू बजाकर ही उठाना होगा। इसकी इस उद्दंडता का कठोर दंड मिलेगा इसे। क्या हुआ बाणासुर? प्रभु, मुझे इस प्रकार आपको ध्यान से उठाने के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे अभी कुछ चाहिए। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपना बल प्रमाणित करने के लिए कोई ऐसा योद्धा मिले जो मेरे हजार भुजाओं के बल का सामना कर सके और मैं उसे पराजित कर अपने अपार बल का प्रमाण दे सकूं। बल है, किंतु बुद्धि किंचित मात्र भी नहीं तुम्हारे पास। मेरे ध्यान को भंग करने का परिणाम नहीं जानते तुम। नहीं जानते कि अकारण किसी के ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी हजार भुजाओं को भी तुमसे विलग कर देगा। किंतु प्रभु, मैंने तो आशीर्वाद मांगा था, प्रभु तो जैसे शाप ही दे रहे हैं। नहीं नहीं, प्रभु ध्यान में ही रहे वही अच्छा है। तो गणेश जी ने छल से मुझे यहां भेजा, उचित है। मैं भी कम चतुर नहीं हूं। यदि कोई ऐसा योद्धा आया जिसके समक्ष मेरी पराजय की संभावना हुई, तो स्वयं महादेव को उसके सामने युद्ध भूमि में उतरने का आह्वान कर दूंगा। ओ, तो प्रभु महादेव को यहाँ रखने के पीछे ये योजना है इसकी। प्रभु, बाणासुर ने स्वयं अपने काल को मांगा है प्रभु से। हाँ मूषक जी, अब हमें शीघ्र उसे बाणासुर तक पहुँचाने का उपाय करना होगा। प्रभु, अनुमति है तो मैं भीतर आऊं? अवश्य। ये लीजिए प्रभु, आपके प्रिय मोदक। बहुत धन्यवाद, बड़ी भूख लग रही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्रभु को। चिंता ना करें मूषक महाराज, मैं आपको भूली नहीं हूँ। कृतार्थ हो गया मैं। प्रभु द्वारा मुझ जैसे प्राणी को शरण देने के बाद यदि किसी ने मेरे प्रति विनम्रता दिखाई है तो वो आप हैं, जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से मूषक महाराज पुकारा। क्या करूँ मैं, जिससे उसे वो ज्ञात हो जो उसे होना चाहिए। प्रभु, आपके लिए और मोदक ले आऊं? प्रभु, आपको और चाहिए? प्रभु, आप कहाँ खो गए? जब से प्रभु को उनके विवाह की सूचना मिली है, तब से वो रह रहकर कहीं खो जाते हैं। तो जिनसे विवाह होने वाला है उन्हीं के विचार में डूबे होंगे ना? गणेश जी ने मुझे वरदान दिया था, मुझे देवता समान पति मिलेंगे, किंतु वो कौन है ये नहीं बताया। अपने विवाह को लेकर तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, किंतु पूछने में लाज भी लगती है। गणेश जी, प्रभु वो आपको मोदक कैसे लगे? बहुत स्वादिष्ट थे, मुझे माँ की याद दिला दी। गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय हैं। यदि तुम्हें उसे प्रसन्न करना है तो मोदक बनाना सीख लो पुत्रियों। माता, आप हमें सिखाएंगे?
तो हम अभी सीख जाएंगे। वो यहाँ होता तो मेरे हाथों के मोदक पर टूट पड़ा होता। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूँ, एक माँ को अपने पुत्र से दूर करने का भय दुष्ट बाणासुर को अवश्य भुगतना होगा। आपको अच्छे लगे तो मैं कुछ और मोदक लेकर आती हूँ। नहीं धन्यवाद, मेरी भूख तो तृप्त हो गई। इतना प्रसन्न हूँ मैं तुमसे कि तुम्हें एक और वरदान देने की इच्छा हो रही है। प्रभु आपने मुझे मेरा वरदान तो पहले ही दे दिया है, आपके दर्शन और सेवा का अवसर ही मेरे लिए वरदान समान है प्रभु। किंतु कुछ तो है जो तुम मुझसे जानना चाहती हो। कैसे पूछूं प्रभु, इस प्रकार उतावली होकर अपने पति को लेकर पूछना शोभा नहीं देता। तुम पूछोगी नहीं तो ये घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक अपने पति की कल्पना कर उसके बारे में जानोगी नहीं तो तुम्हें दिया वरदान कैसे पूर्ण होगा, क्योंकि वरदान तो चेष्टा से ही संपन्न होता है। प्रभु वो पूछने में संकोच कर रही है, किंतु आप तो जानते हैं ना कि उनके मन में क्या जिज्ञासा है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो मैं जानता हूँ। पूछूं या ना पूछूं, प्रभु तो व्यस्त हैं। क्या हुआ पुत्र अनिरुद्ध, कुछ पूछना चाहते हो? कैसे पूछूं, वो कन्या कौन है जिसका मुझे आभास हो रहा है? तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा सत्कार से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो।